तो हम लोग जा रहे हैं आज, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सतरेंगा। फिलहाल बहुत ही अच्छा रोड बन चुका है गाइस, पूरा फाइन है रोड बोलूं तो। और यहाँ का जो व्यू है गाइस इतना अच्छा है रोड का ना, मैं आपको क्या बोलूं। तो ये वाला जो रास्ता है वो देवपहरी का है और ये वाला सतरेंगा का है। तो चार पहिए का 50 रुपए है ना भैया? तो यही है हेलीपैड। आई लव सतरेंगा। तो गाइस देख सकते हो, सतरेंगा को दिखा देते हैं भाई। तो गाइस ये सतरेंगा है जो कि बहुत अच्छा है। तो गाइस सतरेंगा को मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद हम लोग इधर जाएंगे सतरेंगा बोट क्लब एवं रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे लोग कितने अच्छे से खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सभी कोई को भूख लग रहा है गाइस, और मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना तो जरूरी रहता है। तो अंशु ठाकुर ड्राइविंग कर रहे हैं और मेरे भाई लोग पीछे में बैठे हैं, एक वीडियो शूट कर रहे हैं इंस्टाग्राम में डालने के लिए। तो देख सकते हो ये है उमेश, आशु अग्रवाल, ये है मनोज और ये है राहुल। ठीक है भाई, तो हम लोग जा रहे हैं आज, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सतरेंगा। तो गाइस देख सकते हो ये है अंशु ठाकुर और पीछे में है राहुल और मनोज। राहुल भाई इधर आ जाओ और मनोज इधर आओ। तो ये है राहुल देख सकते हो और ये है मनोज। तो कुछ बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। फिलहाल बहुत ही अच्छा रोड बन चुका है गाइस, पूरा फाइन है रोड बोलूँ तो। अगर आप कार वगैरह में आओगे तो बहुत ही जल्दी पहुँच जाओगे। और ये है अपना अग्रवाल साहब। क्या करने गए थे भाई उधर? तो गाइस अभी मैं कैमरा में ब्लॉग शूट कर रहा था बट मेरे को उतना ठीक नहीं लगा, तो अपने मैं आईफोन में शूट कर रहा हूँ। और अभी मेरे दोस्त लोग अब फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ का जो व्यू है गाइस इतना अच्छा है रोड का ना, मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, एकदम फाइन बन गया है रोड। इसलिए जाने के लिए रेडी ठाकुर? चलो बैठो यार सब दोस्त। तो गाइस अगर आप सीधे जाओगे तो 26 किलोमीटर जाने के बाद आपको देवपहरी मिलेगा। तो ये वाला जो रास्ता है वो देवपहरी का है और ये वाला सतरेंगा का है। अगर आप सतरेंगा जाओगे तो 2 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना? तो यहाँ से सतरेंगा 2 किलोमीटर है, 2 या 1.5 किलोमीटर बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर इधर जाओगे तो आपको देवपहरी मिलेगा, इधर सतरेंगा, और यहाँ पर अगर आप जाओगे रास्ते में तो आपको सतरेंगा का स्कूल मिलेगा, गांव मिलेगा, उसके बाद आपको सतरेंगा मिलेगा, ठीक है ना? और यहाँ पर बहुत सारा टर्निंग है, तो आप हो सके तो कार को या बाइक को धीरे चलाइएगा गाइस, इधर बहुत टर्निंग है गाइस। तो गाइस यहाँ से बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि किधर जाना है। आप देख सकते हो बाइक है उधर ही, आपको सीधे जाना है, आपको इधर नहीं जाना है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको इधर नहीं जाना है, इधर सतरेंगा का रास्ता नहीं पड़ेगा, सतरेंगा इधर पड़ेगा आपको। तो गाइस देख सकते हो दोनों को एक केला खा रहे हैं, दोनों ड्राइवर हैं, दोनों को कार चलाना आता है। कौन मन बता दे रहे हो भाई? तो हमको इधर जाना है गाइस सतरेंगा के लिए। देख सकते हो आप रास्ता को याद रखना, क्योंकि अगर आप दूर चले जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा वापस आने के लिए। तो ये है सतरेंगा का रास्ता। साउंड चलाया जाए, गाना चालू किया जाए अब। तो आपको इस रोड में आना है गाइस, याद रखिएगा। तो गाइस देख सकते हो आपको बताया था ना रास्ता का, आपको इधर से मुड़कना है करके, और थोड़ा दूर बाद आपको गांव मिल जाएगा। हवा पंचर लिखा है, हवा पंचर। अबे
तो गाइस सतरंगा के लिए आपको सीधा नहीं जाना है, आपको इधर मुड़कना है। ये रास्ता आप याद कर लीजिएगा दिलों और दिमाग में, बट सेम सेम लगता है रास्ता पूरा। ये वाला पैसा लगते का तो गाइस यहाँ टूरिस्ट से थोड़ा चार्ज लिया जाता है एंटर करने के लिए। तो चार पहिए का 50 रुपए है ना भैया, चार पहिए का 50 है, तीन पहिए का 40, साथ कितना है तीन पहिए का 30 और दो पहिए का 20 और पैदल का फ्री। तो पैसा दे चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अब सीधा, अब हमको सतरंगा मिल जाएगा। और यहाँ बहुत लोग घूमने भी आ रहे हैं, देख सकते हो टिकट घर, यहाँ पर टिकट घर बनाया गया है मेरे द्वारा। अभी मेरा बंदा काम में नहीं है ना, इसलिए वरना चार्ज लिया ही नहीं रहता। तो देख सकते हो गाइस कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो देख सकते हो गाइस हम लोग सतरंगा पहुंच गए। तो यहाँ बहुत सारा चीज है गाइस, आपको हर एक चीज दिखा दूंगा इस वीडियो में। तो हम लोग अभी हेलीपैड जा रहे हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हो सतरंगा में ही है हेलीपैड। वाह 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 वाह, तो यही है हेलीपैड। तो गाइस सतरंगा से 100 मीटर की दूरी बोल सकते हो, या फिर थोड़ा सा अगर आप चलोगे तो आपको हेलीपैड मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इतना अच्छा व्यू आ रहा है कि आपको क्या बोलूँ, यही है हेलीपैड, H लिखा है देख सकते हो आप। और यहाँ बहुत लोग आए हैं, और इधर देख सकते हो बहुत ही बड़ा विशालकाय समुद्र जैसे लग रहा है, न तालाब नदी। तो गाइस यहाँ बहुत लोग पिकनिक मनाने आते हैं, क्योंकि सतरंगा जो है पिकनिक स्पॉट है। और आप देख सकते हो कितना बड़ा दिख रहा है नदी, और वहाँ पर बोटिंग होता है गाइस, वहाँ पर बोटिंग होता है। हो सके तो आपको दिखाऊंगा बोटिंग को हम लोग करके। और यहाँ पर देख सकते हो अभी बहुत लोग आते जा रहे हैं। तो गाइस अभी कार को हम लोग नीचे उतार रहे हैं, तो देख सकते हो हमारा कार नीचे उतर रहा है। तो गाइस यही पर है हेलीपैड, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर कभी कभी आता है। तो गाइस मेरे जो दोस्त हैं वो फोटो शूट कर रहे थे, तो आशु अग्रवाल उनको लेने गया है अपने कार में। उसके बाद यहाँ पर जो बड़ा सा नदी है वहीं पर हम लोग जाएंगे, ज़्यादा दूर में नहीं है जैसा कि आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, यहीं पर है। तो वो अभी मेरे को लेने आ रहे हैं, मेरे को भी बैठाएगा। इतना किनारे से निकाला कि आपको क्या बताऊं, और मेरे को बैठाया नहीं। देखो ऐसे होते हैं दोस्त, यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी, अरे यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी। तो गाइस आईफोन को पानी में तो ले जाने में थोड़ा डर लगता है, बट वाटरप्रूफ रहता है। और यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा है गाइस, बोलूँ तो ये व्यू बहुत ही मजा आ रहा है। आई लव सतरंगा। तो गाइस देख सकते हो ये है अपना अंशु ठाकुर, मेरा भी दिखा भाई। तो गाइस देख सकते हो सतरंगा को दिखा देते हैं भाई, इधर दिखा दे भाई। तो गाइस ये सतरंगा है जो कि बहुत अच्छा है। तो अंशु ठाकुर को देख सकते हो अपने आईफोन में स्नैप बनाते हुए, आईफोन नीचे करके था ना। तो देख सकते हो आईफोन है ये। चल सब कोई देख सकते हो ये सतरंगा नहा के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अपने सभी दोस्त लोग हैं, आप फुल एंजॉय कर रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ नहा भी सकते हो। और उधर बहुत सारा और जगह है, अभी पहले यहाँ पर एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देर बाद मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे फुल मस्ती करते हुए हमारे दोस्त लोग, अपने दोस्तों का मजाक देखिए, तो आदमी 400 ग्राम के आदमी ऊपर चढ़ रहा है। देखिए बड़े हो गए लेकिन बचपन अभी तक से नहीं गई। लेना बेटा।
गाली मत देना, बनावा तो यहाँ पर घमासान युद्ध हो रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग नहा चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं और जो जगह है उसको घूमने सतरंगा का। तो गाइस जो बोटिंग का जगह है वहां पर हम लोग आ चुके हैं और हो सके तो हम लोग बोटिंग करेंगे, कैसा चार्ज है उसके हिसाब से। तो गाइस देख सकते हो इधर गार्डन वगैरह भी बना है, उसको भी दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग जो बोटिंग है उसको कर लेंगे आराम से। तो चल भाई चलें, देखते हैं कैसा कैसा चार्ज है। तो गाइस सतरंगा को मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे जो दोस्त हैं वो कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो जो ये जो चीज़ है ना, इसको ऐसे से कर रहा हूँ तो ये हिल रहा है नीचे तक, क्योंकि पानी में बना हुआ है ये। तो ये बोट है, मोटर बोट। तो गाइस पहले आपको यहाँ पर पैसा पेड करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर आपको बोटिंग के लिए ले जाया जाएगा। तो 10 लोग का आपको 3000 देना पड़ेगा। तो हम लोग 6 जने हैं और हम लोग के पास उतना बजट नहीं है, तो अगर हो सके तो हम लोग नाव में बैठेंगे। नाव को पता कर लेते हैं नाव में कितना चार्ज लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पैसा पेड करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लाइफ जैकेट वगैरह भी दिया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बोटिंग के लिए ले जाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर नाव है, तो नाव में जाके देखते हैं कैसा कैसा रेट है क्या है करके। देख सकते हो इधर नाव है। तो जैसा गाइस आप देख सकते हो उन लोग पैसा पेड करने के बाद जा रहे हैं बोटिंग के लिए, और हम लोग नाव में जाने का सोचे, बट दोस्त लोग बोले कि उतना क्या देखेंगे ऐसे करके, पूरा नदी ही नदी है। तो पर उन लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, और जो बोटिंग होगा वो आपको पूरा घुमाएगा पूरा जगह सतरंगा का, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ा नदी है, नहाने में भी बहुत अच्छा लगा, एकदम फ्रेश पानी है यहाँ पास। अगर आप चाहो तो नहा भी सकते हो, क्योंकि नहा कर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, एकदम फ्रेश। और देख सकते हो बोटिंग के लिए उन लोग चले गए, तो बोटिंग तो मैं नहीं किया हूँ। तो हम लोग जाते हैं और सतरंगा का जगह है उसको घूमने। तो देख सकते हो वे जा रहे हैं अभी। 10 लोग का 3000 लगेगा बोले। तो गाइस हम लोग नहा लिए और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सतरंगा में और कुछ कुछ जगह है उसको देखने। तो रेस्ट हाउस है और गार्डन वगैरह भी बना है, तो सभी को देखेंगे। तो देख सकते हो थोड़े दूर में नहाने के लिए जगह बनाया गया है, मतलब तालाब है, नदी है, उसमें नहा सकते हो आप आराम से। तो गाइस हम लोग कार को पार्क कर चुके हैं, अब जा रहे हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ बना है, क्या क्या है, छत्तीसगढ़ व्यंजन, चाइनीज व्यंजन। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बनेगा शायद, या फिर खुलेगा बोल सकते हो, लिखा तो है बोर्ड में, ऊपर में सोलर पैनल लगा है। और यहाँ मेरे दोस्त लोग कुछ कुछ सामान ले रहे हैं खाने पीने का, और उसके बाद हम लोग इधर जाएंगे सतरंगा बोट क्लब एवं रेस्टोरेंट। तो इधर बहुत सारा चीज़ है गाइस, गार्डन वगैरह बहुत सारा, मतलब इधर ही है मेन घूमने का जगह। और अगर आप इधर जाओगे तो इधर आपको नहाने वहाने का जगह मिलेगा, ठीक है ना। इधर हेलीपैड भी है, इधर नहाने का भी जगह है। और यहाँ पर बाइक वगैरह को पार्क किया गया है जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर ना सतरंगा में पुलिस सहायता केंद्र भी है, पुलिस सहायता केंद्र सतरंगा। तो गाइस सतरंगा में पानी गिरना स्टार्ट हो गया है, जैसे ही पानी गिरना बंद हो जाएगा हम लोग सतरंगा बोट क्लब एवं जो रेस्टोरेंट है वहाँ एंटर करेंगे, और वहाँ का जो भी लोकेशन होगा कैसा व्यू होगा वो देखेंगे। तो गाइस आज हम लोग का दोपहरी जाने का भी प्लान था, तो सतरंगा में भी बहुत समय लग गया, तो आज दोपहरी नहीं जा पाएंगे। फिर कभी दोपहरी जाएंगे तो उसका व्लॉग मैं कभी और डाल दूँगा, ठीक है ना।
पर सतरंगा में हम लोग पहुँचे हैं 11 बजे और अभी बज रहे हैं 2। तो देख सकते हो नहाने में भी बहुत समय लग गया, बहुत इंजॉय किए नहाने के टाइम। अब हम लोग जाएंगे सतरंगा बोट क्लब एवं रेस्टोरेंट। अभी हम लोग ठंडा वगैरह पी रहे हैं, फिर जाएंगे जैसे ही पानी छोड़ देगा। तो गाइस अपना लेंस और एक और स्लाइस आ चुका है और सुबह से नाश्ता वगैरह नहीं किया था तो क्या बोलते हैं, भूख बहुत लग रहा है। तो गाइस पानी कम हो गया है, अब हो सकता है तो जा रहे हैं अंदर। तो गाइस ये जो पार्क है, पार्क में एंटर करने का टिकट नहीं लिया जा रहा है, कहीं और हम लोग जाएंगे ना वहाँ टिकट लिया जाएगा। तो कहाँ पर टिकट लिया जाएगा मैं बताऊँगा आपको कहाँ पर एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर पार्क है और पानी गिर रहा है, पर भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही अच्छा गार्डन बनाया गया है यहाँ पर, और हम लोग पहले सीधा जाते हैं, क्या क्या है, कैसा कैसा है पूरा आपको दिखाऊंगा। पानी गिर रहा है भाई बटना, कहाँ पस लगे टिकट पता नहीं यार, किधर चले। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर क्या बनाया गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है यार, कुछ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा गार्डन बनाया गया है बच्चों के लिए खेलने के लिए, मैं भी खेल सकता हूँ बट मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे लोग कितने अच्छे से खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ एंटर करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, और जो टिकट कटा है ना वो कहीं पर जाएंगे हम लोग, कुछ चीज़ होगा वहाँ पर तो लगेगा टिकट। और अभी यहाँ पर गार्डन वगैरह बना हुआ है और देख सकते हो ये सतरंगा है, सतरंगा को मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है जैसे कि आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर पार्क है पूरा, और जो सतरंगा है अगर बोलेंगे कटघोरा सिटी से 40 किलोमीटर या कितना है भाई, कटघोरा सिटी से, हाँ कटघोरा सिटी से जो सतरंगा है ना वो 50 किलोमीटर है। और यहाँ पर झूला वगैरह बना है देख सकते हो, और मेरा आंसू भाई आगे आगे चल रहा है। और जो टिकट है एक व्यक्ति का 20 रुपये है, और 6 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनका ना, छोटे बच्चे हैं ना उनका 10 रुपये है, ठीक है ना। तो हम लोग सभी दोस्त नहीं आए हैं, मेरे को वीडियो बनाना था इसलिए मैं बोला चलते हैं, वीडियो बनाना तो ज़रूरी है। तो 2 जने आए हैं 40 रुपये दे के 2 व्यक्ति का, ठीक है। तो देख सकते हो वहाँ पर रेस्टोरेंट है सामने में, वो सामने में रेस्टोरेंट है। तो इधर उतना कुछ नहीं है, टिकट यहाँ पर लगेगा क्या भाई। तो देख सकते हो ये है गार्डन, और हम लोग इधर से एंटर किए हैं 20 रुपये देकर, और यहाँ पर कैंटीन है, हाँ यहाँ पर कैंटीन है। तो टिकट हम लोग को कहाँ पर देना है यार, हाँ इधर देना है क्या भाई, अंदर जा बता। तो गाइस ये है सतरंगा का कैंटीन, यहाँ पर आप चाहो तो कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हो। फिलहाल हम लोग तो उधर बिरयानी खाएंगे, तो हम लोग अभी यहाँ कुछ नहीं खाएंगे। और जो ये टिकट लिया गया है ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा, कहाँ पर टिकट लेगा मेरे को समझ अभी नहीं आ रहा है, पर चलो देखते हैं, कहीं ना कहीं इसका टिकट लेंगे उधर लेंगे ऐसे करके बोले थे, तो देख लेता हूँ। और वहाँ पर देखते हैं हम लोग टिकट लिया जाएगा, क्या चीज़ का टिकट लिखा है उसमें देखते हैं। चल तो यार क्या चीज़ के लिए टिकट है ये, रुकने के समय 30 मिनट, उद्यान स्थल में खाद्य पदार्थ खाना मना है, खाते हुए पाए जाने पर 100 रुपये जुर्माना। यहाँ हुई भाई है ना, तो यहाँ पर झूला भी झूलने का यार, झूली झूला आते समय हो सकते हैं तो झूला झूलेंगे ना, हाँ यहीं अंदर में। हाँ अच्छा, इसके अंदर में कुछ कुछ है गाइस, जैसे कि घर वगैरह है शायद, पशु पक्षी ना, तो उसके अंदर हम लोग को शायद कैमरा अलाउ नहीं करने देंगे अंदर ले जाने के लिए, तो देखते हैं। फिलहाल आप अगर गार्डन घूमना चाहोगे तो फ्री में घूम सकते हो, यहाँ गार्डन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या है पता चलेगा हम लोग को अब, इधर क्या है यार, चल ले वो, ये टिकट कहाँ पर लगे समझ नहीं आते ना, वाओ ना,
तो गाइस देख सकते हो यहाँ क्या बना है, पानी गिरा है तो धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। पूरा ऊपर से व्यू दिखेगा शायद तक सतरंगा का। तो यहाँ पर हम बोटिंग वगैरह होता है और हम लोग उधर नहा रहे थे गाइस। तो यहाँ पर क्या बना है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस शायद तक यहाँ पर डांस वगैरह होता होगा तो यहाँ पर बैठ के देखते होंगे, कभी कभी कुछ प्रोग्राम होता होगा। तो इधर गार्डन है देख सकते हो। यही है सतरंगा और उधर और जगह है शायद तक ना, रेस्टोरेंट है ना उधर, उधर रेस्टोरेंट है गाइस, जाते समय उसको भी दिखा दूंगा आपको। और ये 20 रुपये किस चीज़ का लिया गया है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार, 40 रुपये मतलब। तो गाइस देख सकते हो सतरंगा में हम लोग आए थे, तो अभी का जो ये व्यू है बहुत ही अच्छा है गाइस। अगर आप देखोगे तो पानी भी हल्का फुल्का गिर रहा है और ये टिकट को कहाँ पर इस्तेमाल करना है पता ही नहीं, तो पूछने जाते हैं मैम से कि टिकट को कहाँ पर लिया जाएगा और क्या चीज़ के लिए ये टिकट। तो यहाँ फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ गाइस, यहाँ पर आप ना रेस्टोरेंट मतलब होटल है, आप अगर चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, रात बिता सकते हो। तो ये बहुत सारा बना हुआ है और वहाँ पास है हेलीपैड। तो इस टिकट का क्या काम है देखते हैं अब, बहुत टाइम से टिकट कर रहा हूँ, चल यार देखते हैं यार। तो गाइस ये जो टिकट है वो यहाँ पर घूमने का चार्ज है, तो कई लोग तो बिना टिकट कटाए ही आ गए हैं घूमने, और हम लोग सोचे कि ये कुछ अलग जगह टिकट लिया जाएगा, गेट के पास टिकट नहीं लिया जा रहा है, तो टिकट हम लोग का फालतू हो गया 40 रुपये। यहाँ पर घूमने का ही चार्ज है 40 रुपये समझ सकते हो, एक व्यक्ति का 20 रुपये। और अगर आप बोटिंग करना चाहोगे तो 10 लोग का आपको 3000 देना पड़ेगा और 6 लोग का 1600 और 2 लोग का आपको 1200 देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 लोग अगर आप घूमोगे बोटिंग में बड़ा मोटर बोट में तो आपको सिर्फ 10 या 8 मिनट घुमाएगा, और अगर आप 10 लोग बैठ के जाओगे तो आपको 15 मिनट घुमाएगा, 2 लोग बैठोगे तो वही 8 मिनट 5 मिनट जो भी रहे बहुत कम घुमाएगा। तो 10 लोग बैठ के घूमने जाना बेटर रहेगा 3000 देके, क्योंकि कम लोग जाओगे तो आपको बहुत पैसा चार्ज देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा, एक व्यक्ति का 600, 2 लोग अगर जाओगे तो टोटल 1200। और यहाँ बस होटल है, ये भाई लोग हाय बोल रहे हैं। तो यहाँ पर होटल है देख सकते हो, और यहाँ पर कितना बड़ा पहाड़ है। तो पैसा तो हम लोग का फालतू हो गया, हम लोग सोच रहे थे टिकट कहाँ पर लेंगे। इधर से हम लोग चलते हैं और सतरंगा में हम लोग घूम लिए गाइस। तो गाइस ये टिकट को फाड़ दिया जाए, फाड़ दे भाई, क्या कर रहे हैं इसको अब, फालतू हो गया गाइस बोलूँ तो। और कृपया यहाँ प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर कितना अच्छा गार्डन बना हुआ है देख सकते हो, और यहाँ पर कूड़ा करकट ना फैलाएं ऐसा बार बार बोला जा रहा है बोर्डिंग के थ्रू, बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने लोग खेल कूद रहे हैं, मेरे को भी मन कर रहा है, चल ना भाई आते हैं झूल के यार एक बार, चल ना वीडियो बना दे मोर्चा। झूला खाली नहीं है का बहुत दिन बाद, अभी वो पीछे चला रहा था, तो मैं चला ना अभी इसके जगह पे हम काला चश्मा बच्ची हो क्या भाई। तो गाइस चलते हैं अब घर, घर नहीं होटल वगैरह खाने पीने। चला भाई डेंजर 440 वोल्ट, खतरा, हम खुद एक खतरे हैं। तो अभी हम लोग के दोस्त वहाँ पास है,
निसार यहाँ पर है, हम लोग जाएंगे बिरयानी खाएंगे और आपको लालच दिलाएंगे। तो गाइस हम लोग घर जा रहे हैं अब, और उससे पहले होटल जाएंगे खाने पीने बिरयानी फुल। ये है रेस्ट हाउस और अंशु ठाकुर ड्राइव करते हुए। तो उधर रेस्ट हाउस था बस, अगर आप रेस्ट करना चाहते हो पैसा पेड करने के बाद। हर चीज में पैसा, बात तो सही है। हम लोग इधर से गए थे सतरंगा, इधर टिकट लिए थे। और हेलो बेबी हाउ डू यू डू, एक मिनट तू घर जा तू, पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आता मेरे साथ कोई क्यों क्लब नहीं आता। तो गाइस हम लोग बॉबी ढाबा पहुंच चुके हैं बिरयानी वगैरह खाने, नाश्ता वगैरह करने। तो देख सकते हो मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूं उनके पीछे पीछे। तो गाइस मनोज और उमेश और अपना राहुल भाई और मैं और जो धनंजय है वो चिकन बिरयानी खाएंगे, और जो आशु है वो अंडा, क्या खाएगा भाई आशु? अंडा करी। तो गाइस बहुत समय से वेट कर रहे हैं, बनाने में थोड़ा समय लगता है, और इधर हम लोग को बहुत भूख लग रहा है। आंसू देख सकते हो फिर पबजी खेलना चालू कर दिया, और अंशु अपने मोबाइल में लगा हुआ है, और राहुल यहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ देख सकते हो पबजी स्टार्ट हो गया उसका, तो इसका गरेना फ्री फायर स्टार्ट हो गया। और हम लोग को बिरयानी कितना समय लगेगा, हाँ निकल रहा है गाइस। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है गाइस। गाइस 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 बिरयानी आएगा फिर हम लोग खाएंगे उसको। तो गाइस अंशु ठाकुर खाना स्टार्ट कर दिया है, और आशु अग्रवाल क्या लिया है अंडा भुंजी और चावल बिरयानी का, वो चिकन नहीं खाऊंगा बोला, मतलब बिरयानी चिकन बिरयानी। और यहाँ पर उमेश भी खाना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर मनोज भी स्टार्ट करने वाला है, और ये मेरा है देख सकते हो, और इधर कांधा को पार किया जा रहा है। ये अपना राहुल भाई, लेग पीस दिखा भाई कहाँ पर है, लेग पीस नहीं है इसके में, लेग पीस नहीं है, अब मेरे में देख लेते हैं लेग पीस है कि नहीं। तो गाइस मेरे में लेग पीस है देख सकते हो, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, और इसके में देखते हैं लेग पीस है कि नहीं। इसके में भी लेग पीस है जैसा कि आप देख सकते हो, और उमेश को देखो कैसा खाना स्टार्ट कर रहे हैं। सभी कोई को भूख लग रहा है गाइस, और मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना तो ज़रूरी रहता है, तो मैं भी खाता हूँ अब हाथ से खाऊँगा जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत भूख लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।